भाइयों और बहनों, मुझे एहसास है कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तो हिमाचल के चप्पे चप्पे में आक्रोश था और मैं आवाज सुनता था यहां से। लोग कहते थे, अरे मोदी जी आप तो हमारे हो, इंतजार किस चीज का करते हो, डांटते थे मुझे। ये हिमाचल के लोगों को वो हक मैंने दिया हुआ है। आप सभी चाहते थे कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं को सजा दे, चाहते थे ना, चाहते थे ना। आपके इस चौकीदार ने आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की कदर की और अपने वीर जवानों को सीमा पार करके आतंकियों को सजा देने की खुली छूट दे दी। आतंकी जहां ट्रेनिंग ले रहे थे, भारत पर हमले की साजिश कर रहे थे, वहां हमारे वीर जवानों ने घर में घुस करके उनको मारा। यही परिवर्तन भारत की शक्ति में बीते 5 वर्ष में आया है। भाइयों और बहनों, पूरे देश को भारत की शक्ति पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस के लोग, ये उनको ये पच नहीं रहा है। उनको हमारे देश के वीर सपूतों पर भरोसा नहीं है। साथियों, 2016 में आपने देखा कि हमारे वीर सपूतों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस के नामदार ने पाकिस्तान के बजाय मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। इस साल भी फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नामदार और उनके राग दबारी फिर एक बार मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी कैसी राजनीति करना चाहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म होना चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार, एक रक्षा कवच है वो खत्म होना चाहिए। मैं जरा मंडी में आज इतने बड़े जनसागर को एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसी मरी मरी आवाज मंडी की नहीं होती है। अरे फोटो नहीं दिखानी है, जवाब दोगे क्या? मान लिया फोटो हर एक के पास है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भारत के टुकड़े करने और हमारे जवानों को लाचार करने की साजिश रचते हैं, क्या उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिमाचल की धरती से ऐसे दल और ऐसे दल की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए?